नमस्कार दोस्तों, हमारे ऑफिशियल चैनल मल्टी से कन्वेंट स्कूल को सब्सक्राइब करें। और हाँ दोस्तों, घंटी भी बजा दीजिए ताकि नया वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए। थैंक यू। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, टुडे वी ऑनलाइन क्लासेस वी स्टडी अबाउट मोशन। मोशन व्हेन अ बॉडी मूव वी कैन से दैट इट इज इन द फॉर्म ऑफ मोशन। A body cannot move, then we say it is in the form of rest. यदि कोई body move कर रही है तो उसे हम कहते हैं कि motion में है, अगर नहीं move कर रही है तो उसे rest में हम लोग कहते हैं। Motion के लिए definition करने के लिए देने के लिए हमें एक fixed point की आवश्यकता होती है। विदाउट फिक्स्ड पॉइंट वी कैन नॉट डिफाइन द मोशन। इनवर्स में रियली कोई एब्सोल्यूट कांस्टेंट या रेस्ट बॉडी नहीं है, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि अर्थ भी अपने एक्सिस पे घूमती रहती है। तो जनरली वी सपोज अर्थ एज अ रेस्ट बॉडी। डिफिनेशन पे चलते हैं, मोशन की डिफिनेशन। इफ ए बॉडी चेंज देयर पोजिशन पोजिशन कंटिन्यूअसली विथ रिस्पेक्ट टू अ फिक्स्ड point in its surrounding। यदि कोई वस्तु regularly या continuously अपने position को change कर रही है किसी rest point के respect में, तो हम कह सकते हैं कि वो body move कर रही है। अगर रेस्ट फॉर्म की बात करते हैं तो डिफिनेशन में केवल थोड़ा सा चेंज करेंगे, ये तो मोशन हो गया। रेस्ट में इफ अ बॉडी, यहां पे अगर डज नॉट कर रहे, डज नॉट चेंज देयर पोजीशन कंटिन्यूअसली विथ रिस्पेक्ट टू अ फिक्स्ड पॉइंट इन इट सराउंडिंग, देन वी से दैट दिस बॉडी इज इन द फॉर्म ऑफ रेस्ट। एग्जाम्पल्स, जैसे हम लोग बस में बैठे होते हैं और बस चलती हुई होती है, तो उसकी गति के बारे में, मोशन के बारे में हम अगर स्पीडोमीटर नहीं देखते हैं तो बाहर जो रेस्ट पीरियड में जैसे खड़े हुए बिल्डिंग्स हैं, पोल्स हैं, पेड़ हैं, उनसे हम मोशन के बारे में कि स्पीड क्या है, मोशन क्या है पता लगा सकते हैं। या नहीं तो जैसे कि हमने पहले ही बताया कि अर्थ को हम लोग सपोज दैट में रेस्ट बॉडी मानते हैं, तो जैसे ही हमने नीचे देखा तो नीचे भी हमको अपनी मोशन का क्या ज्ञात होता है। हम जान सकते हैं कि स्पीड, एक्चुअली स्पीड तो नहीं लेकिन अपनी स्पीड के बारे में हम गेस कर सकते हैं। मोशन और रेस्ट दोनों फॉर्म ही एक रिलेटिव टर्म है। इसका भी एग्जाम्पल, जैसे कि इफ वी ट्रेवल इन द ट्रेन, बस, कार्स, वेन वी सा इन द इन साइड द इन द ट्रेन वी कैन सी पैसेंजर्स आर पैसेंजर्स एंड
द फैंस सीट्स एक्सेट्रा विच इज इन द रेस्ट फॉर्म रिस्पेक्ट टू अस बट वी कैन सर्व आउट फ्रॉम द ट्रेन आउट फ्रॉम द ट्रेन वी कैन सी रेस्ट बॉडी लाइक ट्रीज पोल्स दिस रेस्ट बॉडी अकॉर्डिंग टू दिस रेस्ट बॉडी वी कैन से वी आर इन द फॉर्म ऑफ मोशन बट इन द रिस्पेक्ट टू इन साइड द ट्रेन ऑब्जेक्ट एग्जाम्पल फैंस सीट्स वी कैन नॉट से इन द मोशन रिस्पेक्ट टू अस बिकॉज बोथ आर इन द रेस्ट फॉर्म अकॉर्डिंग टू अस नाउ वी डिस्कस अबाउट स्केलर क्वांटिटी एंड वेक्टर क्वांटिटी स्केलर क्वांटिटी विच क्वांटिटी हैज ओनली मैग्नीट्यूड नॉट डायरेक्शन दिस क्वांटिटी इज कॉल्ड स्केलर क्वांटिटी एग्जाम्पल length, area, volume, etc. Now we discuss about vector quantity. Which quantity has both magnitude as well as direction. Example, displacement, velocity, force, etc. Our next topic is distance. We know about distance. Distance is the total path, length of the total path. Length of the distance cannot be zero and its value is never in the form of negative. It's only positive form. It is always remember that distance cannot be zero. Example, when a student comes to school from his house, suppose distance between house and school is 4 km. If it goes and return at the home, then total distance is 4 plus 4, 8 km. And next example, we take a rectangular field A, B, C and D. Length of field is
टू के एम, ब्रेथ इक्वल टू 1 के एम. इफ अ स्टूडेंट या और बॉय रन्स 1 राउंड दिस रेक्टेंगुलर पाथ, सो टोटल डिस्टेंस इज ए बी प्लस बी सी प्लस बी सी प्लस ए डी. और वी नो दैट इट इज अ रेक्टेंगुलर पाथ, सो वी आल सो वी कैन डू रेक्टेंगुलर टोटल डिस्टेंस ऑफ रेक्टेंगुलर पाथ इन वन राउंड. सो वी आल्सो टेक इट्स पेरीमीटर. दिस फार्मूला आल्सो हेल्प टू फाइंड द टोटल डिस्टेंस ऑफ रेक्टेंगुलर पाथ. सिक्स केम नाउ वी डिस्कस अबाउट डिस्प्लेसमेंट. Displacement is a vector quantity because it has a direction. Other hand, distance is a not vector quantity, it is a scalar quantity. Displacement is the minimum or shortest distance between initial point and the final shortest distance between initial and final. Noted displacement can be zero. Displacement can be zero if initial point and final point is same, then displacement is zero. Example लेते हैं, जैसे अभी हमने स्कूल का एग्जाम्पल लिया कि हम कोई स्टूडेंट अपने घर से स्कूल गया 4 किलोमीटर, फिर आया तो टोटल डिस्टेंस घर चलाया तो 8 हो गया. अगर डिस्प्लेसमेंट की बात उसी एग्जांपल को लेके करते हैं तो इनिशियल पॉइंट क्या है, हाउ होम. फाइनल पॉइंट क्या है, स्कूल. स्टूडेंट होम से स्कूल गया, घर से स्कूल गया और फिर स्कूल से वापस घर आ गया, तो इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट क्या हो गया, होम. तो डिस्टेंस क्या हो जाएगा, जीरो. इफ वी राउंड अ सर्कुलर पाथ 1 राउंड 2 राउंड 3 राउंड 4 राउंड कंप्लीटेड राउंड, देन एट दैट टाइम our initial and final point is same, in which condition our displacement is also zero. Next, displacement
में भी पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है, लेकिन डिस्टेंस जीरो कभी नहीं हो सकती और सदैव पॉजिटिव।